हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है व्यूवर, आज मैं आप सबको उर्दू और हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो लैपटॉप की स्क्रीन है और जो उस पे रिकॉर्डिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। चलें आए इसको स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि हमारा टाइम वेस्ट हो। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको इसमें बताने की। यहाँ से आपके पास, मैं गूगल क्रोम है मेरे पास, आप लोगों के पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, मोजिला है या तो फायरफॉक्स है, कोई भी आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्प्रिंग सॉरी स्प्रिंग फ्री कैम। तो आप ये यहाँ पर सर्च कर लें, स्प्रिंग फ्री कैम। यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से आपने इसको चूज़ कर लेना है जहाँ पे आपको मिल जाए। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोशिश करें यहाँ से डाउनलोड करें। डोविस्टा फ्री, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। इसमें से आप यहाँ ओनली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसकी जो एक्सी फाइल है वो क्लिक करें। मैंने ईमेल लिख दिया अपना, सो डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। और ये देखें नीचे एक्सी फाइल जो है इसकी फ्री वेबकैम की डाउनलोडिंग होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये एक्सी फाइल डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड हो चुकी है। सो मैं अगर इसको यहाँ से ओपन करना चाहूँ तो प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन, ये इसका वेलकम टू द फ्री कैम 8 सेटअप विजर्ड। सो अभी ये फ्री कैम अभी मेरे पास तो इंस्टॉलेशन है ऑलरेडी। अगर मैं इसका नेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो मुझे तो स्टॉप कर देगा क्योंकि मैं तो इसमें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। सो देखें इसको, यो कह रहा है दोबारा, अगर आप दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो रिमूव करना चाहते हैं ये एप्लीकेशन, तो इसमें आप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जस्ट इसको अभी इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव और रिपेयर में, न्यू इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में ये नहीं आती है चीज़। सो आप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम ओनली नेक्स्ट का बटन आएगा, जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक सेटअप लाइसेंस की आएगी, उसको बॉक्स आएगा, उसका चेक बॉक्स करना है आपने, चेक इन करना है। सो उसके बाद आपकी जस्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने फ्री कैम डाउनलोड कर लिया होगा। सो आइए अभी मैं आपको इसको कैसे यूज़ करना है उसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये देखें विंडो ओपन हो गई है। नॉर्मली ये जब नया आप डाउनलोड करेंगे तो सम टाइम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको सॉफ्टवेयर को न्यू रिकॉर्डिंग जो है इसमें आपको बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका। ट्रेड लाइसेंस आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इसको खोलेंगे और ये नीचे इसका, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो थोड़ा सा नीचे इसके ये सेटिंग है, ये देखें ये इसका ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का। और ये है इसका माइक और यहाँ से वॉल्यूम इसका, और यहाँ से इसकी जो, अगर आपने यूट्यूब इसमें सेटिंग करनी है तो यूट्यूब पे आपको यहाँ से क्लिक करके इस पर आप बहुत बेहतर रहेगा, आप 16:9 पे रखें और 720 पिक्सल पे। सो ये यूट्यूब के लिए आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ से इसकी सेटिंग है, अगर आप सिस्टम की नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से, मैंने तो अभी मैक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग के पास माइक नहीं है या तो सिस्टम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा ओनली। यहाँ से अभी देखें, अभी माइक से ओनली आवाज़ जा रही है और माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है। सो इसीलिए अभी आपने देखा मैंने इसको अनचेक किया और रिकॉर्डिंग सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे और इसको अनचेक करेंगे तो सिस्टम की जो आवाज़ है, जो सिस्टम की आवाज़ है
वो आपको आती रहेगी। अगर आपके पास माइक नहीं भी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये था इसका यूज़ेज। और अगर देखें, अगर आपको इसमें वीडियो रिज्यूम करनी हो या तो पुश करनी हो, स्टॉप करनी हो, तो इसको आप F9 बटन प्रेस करेंगे। F9 से आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा, यहाँ से देखें, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो एंड करनी है बनाने के बाद, तो एस्केप से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी। और F10 से डिस्कार्ड रिकॉर्डिंग अगर आपने करना चाहते हैं तो हो जाएगी। सो प्लीज़, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग, यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको जस्ट ओके पे क्लिक करते हैं, ये हमारी सेटिंग ऑलरेडी ओके है। सो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, ये देखें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसमें ये थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने फ्री कैम डाउनलोड कर लिया होगा। सो आइए अभी मैं आपको इसको कैसे यूज़ करना है उसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये देखें विंडो ओपन हो गई है। नॉर्मली ये जब नया आप डाउनलोड करेंगे तो सम टाइम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको सॉफ्टवेयर को न्यू रिकॉर्डिंग जो है इसमें आपको बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ट्रेड लाइसेंस आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इसको खोलेंगे और ये नीचे इसका, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो थोड़ा सा नीचे इसके ये सेटिंग है, ये देखें ये इसका ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, और ये है इसका माइक, और यहाँ से वॉल्यूम इसका, और यहाँ से इसकी जो, अगर आपने यूट्यूब इसमें सेटिंग करनी है तो यूट्यूब पे आपको यहाँ से क्लिक करके इस पर आप, बहुत बेहतर रहेगा आप 16:9 पे रखें और 720 पिक्सल पे। सो ये यूट्यूब के लिए आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ से इसकी सेटिंग है, अगर आप सिस्टम की नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से, मैंने तो अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग के पास माइक नहीं है या तो सिस्टम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा ओनली, यहाँ से अभी देखें, अभी माइक से ओनली आवाज़ जा रही है और माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है। सो इसीलिए आपको वहाँ से रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको देखें, अभी आपने देखा मैंने इसको अनचेक किया और रिकॉर्डिंग सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे और इसको अनचेक करेंगे तो सिस्टम की जो आवाज़ है, जो सिस्टम की आवाज़ है वो आपको आती रहेगी। अगर आपके पास माइक नहीं भी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये था इसका यूज़ेज। और अगर देखें, अगर आपको इसमें वीडियो रिज्यूम करनी हो या तो पुश करनी हो, स्टॉप करनी हो, तो इसको आप F9 बटन प्रेस करेंगे। F9 से आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा, यहाँ से देखें, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो एंड करनी है बनाने के बाद, तो एस्केप से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी। और F10 से डिस्कार्ड रिकॉर्डिंग अगर आपने करना चाहते हैं तो हो जाएगी। सो प्लीज़, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग, यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से जस्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको जस्ट ओके पे क्लिक करते हैं, ये हमारी सेटिंग ऑलरेडी ओके है। सो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, ये देखें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसमें ये थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।